महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से कहा है कि पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करें, फिर विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। पिछले दिनों उद्धव ने इसी मकसद से दिल्ली की दौड़ लगाई थी, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा था। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से गुजारिश की है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी शरद सुप्रीमो शरद पवार ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मुंबई में हाल ही में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन एमईए के पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि गठबंधन में लाठी चलाने वाले बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, उद्धव ठाकरे या कोई और? यहाँ शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान अपनी पसंद की घोषणा करें, आप में से कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा बने, हम उसका समर्थन करेंगे। उद्धव ने कहा कि बिना चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं है। ठाकरे ने कहा कि अगर यह फॉर्मूला अपनाया गया जिसके पास अधिक सीटें उसका मुख्यमंत्री, तो दूसरे सहयोगी दल को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, इसलिए हमें उस नीति पर नहीं चलना है। उद्धव ठाकरे ने वक्त संशोधन विधेयक पर भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उद्धव ने कहा कि वक्त और मंदिर संस्था की संपत्ति को किसी को छूने नहीं दूंगा। अगर इस विधेयक पर चर्चा तय होता तो सांसद सदन में होते और विधेयक पर अपना पक्ष रखते। उद्धव ने कहा कि वक्त बोर्ड छोड़ो, मंदिर की जमीन भी चोरी हो रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियों की धड़कनें तेज है। उधर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचलों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर हार गई, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पुनः विचार करना पड़ रहा है। एक नई नीति और एक नई व्यवस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरना चाह रही है, लेकिन इसी कड़ी में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने लगातार डिमांड कर रखी है कि पहले सीएम चेहरा घोषित किया जाए कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, महाविकास आघाड़ी अगर चुनाव में जीत दर्ज कर लेती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे लगातार शरद पवार और कांग्रेस पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।